लो रिमोट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को झारखंडी जोहार। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। जीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ गया है झारखंड में, इन दिनों बच्चों का तैयारी जो है चरम पर है ना। तो संडे और सैटरडे दो दिन हमारा क्लास ऑफ था, संडे को तो बेसिकली रहता ही है और शनिवार को चूंकि 60-40 का प्रोटेस्ट था तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक सेकंड, ये आ रहा है ना, इसको कुछ नहीं, एक सिंगल टाइम यहाँ पे प्रेस करोगे ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ तो ऐसे बीच में मत टोकना। हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग, आज झारखंड जीके का हम लोग सीरीज को तय कर रहे थे और आज हम लोग एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों जगह एक साथ लाइव है। आप एप्लीकेशन से पढ़ाई करोगे तो वीडियो में ऐड नहीं आएगा, अन्यथा आप यूट्यूब में कॉमेंट करने का शौक है तो आप यूट्यूब में आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। दोनों जगह हम लोग एक साथ लाइव है। आज हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को एनहेंस करते करते अब जो है कमेंट स्क्रीन आपके मेरा कैमरे के सामने लग गया है लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ है, आज वो ऑन होगा। तो आज तक मैं आपके कमेंट्स को अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही पढ़ूंगा लेकिन कल से जो या आज शाम से जो क्लासेस होंगी उसका कमेंट जो है सामने के दीवार पर चलता नजर आएगा, तो आप लोगों से जो है बात करने में भी मजा आएगा और आपके कमेंट्स को हम लोग ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रीड कर पाएंगे। आज जो हमारा सेशन है साथियों, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये सेशन ओनली ऐप पर होने वाला था लेकिन मेरा ये सेशन झारखंड के वासियों के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए और झारखंड के हर एक आम नागरिक के लिए बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। इसलिए इस सेशन को और आने वाले लगातार एक सप्ताह तक हम लोग यूट्यूब में ऐसे ही अपनी थ्योरी क्लास को लाइव करेंगे, है ना। बेसिकली कहीं पे भी थ्योरी क्लास को लाइव नहीं किया जाता, एप्लीकेशन में ही सेफ रखा जाता है लेकिन हम लोग थ्योरी क्लास को भी लाइव कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के हितों में, झारखंड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अपने झारखंड के सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को जानने के लिहाज से हमारा जो ये सीरीज है जहाँ हम लोगों ने झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश से शुरू किया था, है ना। तो झारखंड में अंग्रेजों से प्रवेश से शुरू किया था, आगे चलते चलते हम लोग जनजातीय विद्रोह की तरफ पढ़े हैं और जनजातीय विद्रोह में झारखंड में जितने भी आदिवासियों के द्वारा जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए या झारखंड के वासियों के द्वारा जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए उन सभी की कहानी हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग लाइव आ चुके हो, मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ विजिबल है, सब कुछ ठीक है तो बताइए, है ना। तो कुछ भी अगर दिक्कत आएगा तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स का हम लोग जवाब देंगे। तो आज एक इंपॉर्टेंट लाइव सेशन है तो हम लोग शुरू करते हैं साथियों। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जेएसएससी सीजीएल का चूंकि वैकेंसी आ गया है, उत्पाद सिपाही का बंपर वैकेंसी आ गया है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एसबीआई में नए बैचेस शुरू हुए हैं। तो नए बैचेस में हम लोग, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अभी नए बैच में ही लाइव हूँ, एप्लीकेशन में भी और यूट्यूब में भी, नया बैच में ही ये सीरीज चल रहा है। तो बेसिकली आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप लोगों को लेना है तो पेपर 1, 2, 3 तीनों की तैयारी हम लोग 1499 रुपये जेएसएससी सीजीएल की करवा रहे हैं और उत्पाद सिपाही की तैयारी 1199 रुपये में हम लोग करवा रहे हैं। ये तीनों पेपर के लिए होगा जिसके लिए 7 से 8 टीचर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी क्लासेस के सभी लाइव क्लासेस होते हैं और लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है। आपको ये कोर्सेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक है, ऐप का लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर में जाके एसवीआई झारखंड आप लोग सर्च कर लेना। तो सर्च करने के बाद आपको इंस्टॉल करना, वहां से आप बैच परचेस करके हमारे साथ सीधा एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि मात्र 4 से 5 दिन हम लोग यूट्यूब में लाइव रहेंगे और जनजातीय विद्रोह जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद सारी क्लासेस कहाँ होगी, ओनली एंड ओनली ऐप पर होंगी, ठीक है। यानी कि आधुनिक झारखंड निर्माण आंदोलन ये सब कुछ जो है ऐप पर चलेगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में आपको पता है कि बक्सर का युद्ध होता है। मैंने इससे पहले की कहानी में आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से अंग्रेज झारखंड की धरती में प्रवेश करते हैं, कैसे वास्को डिगामा आता है, भारत में अंग्रेज कैसे आते हैं और किस तरीके से सबसे पहले बंगाल में व्यापार में सबसे ज्यादा सफलता अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में मिलता है और बंगाल के क्षेत्र में ही व्यापार में सफलता मिलते मिलते अंग्रेज इतने अमीर हो जाते हैं कि बंगाल के नवाब से भी ज्यादा धन दौलत हो जाता है और किसी के पास धन दौलत हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके पास पावर आ जाता है।
तो पावर आ जाता है। तो 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित करके संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र में वर्चस्व, वर्तमान समय का बंगाल के क्षेत्र में वर्चस्व हो जाता है अंग्रेजों का। फिर उसके बाद 1764 ईस्वी में, चूंकि बंगाल उस समय संयुक्त बंगाल में तीन एरिया हुआ करते थे, संयुक्त बंगाल में उस दौर में, संयुक्त बंगाल में तीन इलाके हुआ करते थे, उड़ीसा, वर्तमान का झारखंड और वर्तमान का बिहार। तो चूंकि अब और उस समय का या वर्तमान का बंगाल, तो ये चार इलाके संयुक्त बंगाल में हुआ करते थे। सभी लोग हम लोग क्या हुआ करते, यूनाइटेड बंगाल में हुआ करते थे। तो बंगाल में चूंकि अधिकार हो गया वर्तमान के क्षेत्र में, वर्तमान बंगाल के क्षेत्र में, वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया, तो अंग्रेज अपनी सीमा को बढ़ाते बढ़ाते क्या कहां पर जाते हैं, अब बिहार की तरफ जाते हैं। तो बिहार की तरफ जाते हैं, तो 1764 ईस्वी में बिहार के शासकों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होता है। बिहार के शासकों में कौन कौन रहता है, या इस बक्सर की लड़ाई में कौन कौन रहता है, तो बक्सर के युद्ध में आप लोगों को पता है साथियों कि अंग्रेज वर्सेस तीन शासक रहते हैं। कौन कौन, अवध का नवाब सिजाउदौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की सम्मिलित सेना और अंग्रेजों की लड़ाई होती है, और इस युद्ध में अंग्रेज क्या होते हैं, जीत जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों, जब ऐसे ही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिलता है, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान में चला जाता है कि हम लोगों ने तीन तीन भारत के शासकों को पराजित कर दिया, तो अब हमसे बड़ा शक्तिशाली भारत में कोई है ही नहीं। और यहां से अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पे, और संपूर्ण भारत में जो कब्जा करने का सपना अंग्रेज दिखते हैं वो बक्सर की लड़ाई के पश्चात ही दिखते हैं। 1764 ईस्वी में यह बक्सर का युद्ध होता है, और उसके ठीक एक साल बाद 1765 ईस्वी में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मुगल बादशाह है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है अंग्रेज अफसर को दे रहे हैं। तो इलाहाबाद की संधि बेसिकली क्या था कि बंगाल के क्षेत्र में टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे मुगल बादशाह, जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे बंगाल के एरिया के, वो क्षेत्रीय राजा क्या करते थे, मुगलों को पैसा दिया करते थे, या क्षेत्रीय राजा बंगाल के नवाब को पैसा दिया करते थे। तो ये पूरा सिलसिलावार तरीके से चल रहा था, बंगाल के नवाब भी दिया करता था मुगलों को टैक्स। तो ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से कई सौ सालों तक चलता रहा, लेकिन इलाहाबाद की संधि के पश्चात मुगल बादशाह क्या करते हैं, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे देते हैं। दीवानी अधिकार बेसिकली टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक प्रोसेस का ही नाम था दीवानी। तो वही है कि दीवानी अधिकार अब अंग्रेजों को मिल गया था, तो बंगाल के क्षेत्र में टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करेंगे, तो मेरे भाई अंग्रेज करेंगे। तो इसी लिहाज से जब टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी अब अंग्रेजों को मिल गई, यानी कि अंग्रेजों की सरकार बन गई, तो संपूर्ण बंगाल के इलाके में अब धीरे धीरे किसका प्रवेश होगा, अंग्रेजों का होगा। तो बंगाल में तो चले गए, बिहार में भी इन लोगों को जीत मिल गया, तो अगला एरिया कहां पर है, झारखंड। और इस प्रकार से झारखंड में प्रवेश का सिलसिला शुरू होता है अंग्रेजों का। बोरिया बिस्तर लेकर के अपने सेना को तैयार करके अंग्रेज बोलते हैं कि चलो चचा अब झारखंड की तरफ जाएंगे, है ना। अब अंग्रेज जो है बहुत फुटानी हो गया था, जहां जाते थे वहां पे जीत जा रहे हैं, हिम्मतें नहीं, ताकतें नहीं, तो कहीं पे विरोध होता ही नहीं था। जहां जाते थे, जिस युद्ध में जाते थे, जीत हो जाती थी। लेकिन जैसे झारखंड की धरती में आते हैं, हम लोग हालत टाइट कर देते हैं, है ना, हम लोग झारखंडी है भाई, है तो है, बांग तो बांग, है ना। तो वही सिस्टम है कि झारखंड की धरती में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है, कहां से होता है मेरे भाई, आप लोगों को पता है, पीछे भी मैंने कहानी आपको बताया कि यही जो बांकुड़ा के निकट आपका क्या है, मिदनापुर के निकट ये बंगाल का एरिया है, तो मिदनापुर के निकट ये आपका क्या है, झाड़ग्राम का इलाका है। झाड़ग्राम के इलाके में सबसे पहले एक राजा से युद्ध होता है अंग्रेजी सेना का, और उस झाड़ग्राम के राजा को पराजित करने के बाद ही अंग्रेज ढालभूम के रास्ते क्या होता है, झारखंड में प्रवेश शुरू होता है। लेकिन जैसे ही झारखंड के सरजमी में अंग्रेज प्रवेश रखते, अपनी पाव रखते, हम लोग उसको लात मार करके अपने एरिया से बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। वो देखिए कैसे होता है, पूरी कहानी को समझिए, ठीक है। ये उस समय का नक्शा है, ये नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैंने टेलीग्राम में डाला है, टेलीग्राम से आप लोग देख लेना, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। आपको पता है कि उन दिनों झारखंड में क्षेत्रीय राजाओं का राज हुआ करता था, क्षेत्रीय राजा जिन्हें हम लोग टैक्स देने का काम करते थे, जमींदारी प्रथा लागू थी, राजा जमींदार से टैक्स लेता था, और जमींदार आम नागरिकों से, आम किसानों से, आम लोगों से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आम लोगों से जमींदार, जमींदार राजा को, राजा सीधा मुगल बादशाह को।
तो ये पूरा प्रक्रिया कई सौ सालों तक चलता रहा, कई सौ सालों तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का झारखंड में आगमन होता है, अंग्रेजों का जैसे ही झारखंड में प्रवेश होता है, ये सिलसिला चेंज होता है। क्योंकि अंग्रेज आकर के राजाओं को बोल देते हैं कि अब जो है टैक्स कलेक्ट करने का राजा महाराजा की जरूरत नहीं है, अब हमें राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है, अब हम लोग खुद से टैक्स ले सकते हैं। तो राजा महाराजा का जो ताकत वगैरह हुआ करता था, वो अब के डेट में पूरा नाम मात्र हो गया, हाथ की कठपुतलियां हो गए राजा, है ना। तो जो अपने आप को मजबूत रख सके वो रख सके, नहीं तो बाकी लोगों का दमन कर दिया गया। और इसी प्रकार से प्रक्रिया जो है चलता रहता है। लेकिन जब तक अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए थे, यहां के लोगों को कोई खास समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनके अधिकारों का दमन करना अंग्रेजों ने शुरू किया, तब यहां से युद्ध की स्थिति शुरू होती है। आप अगर हमारे घर में आएंगे और बैठ करके चलो भाई बातचीत करेंगे, कोई आर्गुमेंट करेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पर अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो उस जगह पर जो है हमको दिक्कत होगा, है ना। ये कहानी बहुत मजेदार है, बहुत मजा आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। सर पेपर टू में पीजीटी का क्लास कर दीजिए ना सर। नमस्ते सर, डू लाइक एंड शेयर वीडियो एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है सर, हमको पीजीटी का नोट्स लेना है। अभी क्लास के बीच में कोई नोट्स वोट्स का बात नहीं करेगा, अभी कहानी नहीं दिख रहा, इतना खतरनाक कहानी सुना रहे हैं। चलो पहले शेयर करो वीडियो को, तो उसके बाद बताएंगे। हाँ जी, तो हमने बोला कि जब जब आप के घर में कोई व्यक्ति आएगा, आकर के बैठेगा, अल्लाह उल्लाह करेगा, ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके आपकी चीजों को अगर हड़पने की कोशिश करेगा, तो उसको नहीं मारेंगे दुझाव। तो वही वाला बात है कि झारखंड में जैसे ही अंग्रेज प्रवेश करते हैं, अब राजा का काम खत्म हो चुका था, जमींदारों का काम बस शुरू हुआ। जमींदार पहले राजा के लिए काम किया करते थे, अब राजा कौन बन चुका था, अंग्रेज अधिकारी बन चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका था। तो राजा ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया, है ना। हम एकदम आसान शब्दों में समझाएंगे, एकदम पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे। मेरा पढ़ाने का एक यूनिक टेक्निक है, ऐसा नहीं कि थ्योरी लिए और लाइन मिला मिला के पढ़ा रहे, एमसीक्यू करवा रहे, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, ये सब सिस्टम नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक, मैं पूरा कहानी आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, और उसके बाद तो फिर वो सब भी है जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, वो सब भी है मेरे पास, ठीक है, लो टाइप किया हुआ है। तो इसमें भी कमी नहीं है, इस कंटेंट में भी कमी नहीं है, देख रहे हो ना। एक एक क्लास में साठ साठ पन्ना पढ़ा देते हैं हम, ठीक है, हालत टाइट कर देंगे, बता रहे हैं। इस बार अगर नौकरी नहीं लिए सचिवालय में, ठीक है, हड्डी तोड़ के इतना मार मारेंगे बबुआ, सचिवालय में सबसे ज्यादा सीट एसबीआई की तरफ से जाना चाहिए, क्या समझे। साल 2023 में लास्ट में साथी चौड़ा करके 24 में तो बोले कि एसबीआई से इतना लड़का का सिलेक्शन होगा, नहीं। तो वही एक स्वतंत्रता को छीनना शुरू करते हैं कौन, अंग्रेज। और जमींदार अब क्या करने लगे, पहले जमींदार सभ्य हुआ करते थे, पहले जमींदार सॉफ्ट हुआ करते थे लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के मामले में। लेकिन जैसे ही अंग्रेज अधिकारी के अंडर में दीवानी प्रथा आती है, वही जमींदार जो पहले सभ्य हुआ करते थे वो असभ्य हो गए। यानी कि वही जिसका सॉफ्ट नेचर था, बहुत ही क्रूर जो है उसका व्यक्तित्व हो गया, बहुत ही क्रूर छवि हो गया। क्योंकि जबरदस्ती पूरा जिम्मेदारी था जमींदार को, पहले तुम पैसा लाकर तुमको दो, जहां से दोगे नहीं तो तुमको जमींदारी प्रथा से हम हटा देंगे, है ना। इस तरीके से देख पाते हैं कि पहले जमींदारों की स्थिति सामान्य हुआ करती थी, जब क्षेत्रीय राजाओं का राज हुआ करता था झारखंड में। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का राज शुरू होता है झारखंड में, वही जमींदार क्या होते हैं, क्रूर हो जाते हैं। खैर, अब समझिए कि आखिर जनजातीय विद्रोह होता क्यों, क्या ऐसा रीजन है, जनजातीय विद्रोह होने के कारण क्या क्या है, उन सभी कारणों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है कि उनकी स्वतंत्रता को छीनना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। पहले क्या हुआ करता था कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जमींदार टैक्स लेने के लिए आता था, चलो भाई टैक्स उसको एकदम नाम मात्र का टैक्स दिया जाता था, अपनी जमीन में जो रोपे, अपनी जमीन को जैसे यूटिलाइज करे उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। जैसे मन तैसे वो खेती करता था, उसका जमीन का मालिक वो खुद होता था, सीधा वो साल के अंत में आता था जमींदार, उसको पैसा मांगा जाता था कि राजा ने राजा को पैसा दो, राजा के लिए टैक्स पे करो, तो जमींदार आम नागरिक जो है, आम किसान जो है, आराम से पैसा दे देता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहां पर आते हैं, हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हर एक फील्ड में, तुम कितना खेती करोगे, किस एरिया में खेती करोगे, खेती जो करोगे उसका टैक्स बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया। और इस तरह करके बहुत अलग अलग तरीकों से शोषण करने लगे, माने मतलब कि स्वतंत्र रूप से वो अपनी जमीन का प्रयोग ही नहीं कर पाते थे, स्वतंत्र रूप से खेती बाड़ी कर ही नहीं पाते थे। तो ये पहला कारण रहा जिसके लिए जनजातीय विद्रोह हुआ था। दूसरा कारण के बारे में बात करें साथियों, तो आदिवासी मुखियाओं पर नियंत्रण, जो आदिवासी मुखिया हुआ करते थे, या आदिवासी जमींदार कह सकते, जमींदार हुआ करते थे, प्रमुख लोग हुआ करते थे आदिवासियों के, है ना, उन सभी पर नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का।
अब जमींदार हो गए हाथ के कठपुतली अंग्रेजों के, जो अंग्रेज बोलेगा वही जमींदार करेगा, जो इनके मुखियाओं को भी जो बोलेगा अंग्रेज वही करना पड़ेगा। तो आदिवासियों के जो मुखियाओं पर नियंत्रण कर लिया अंग्रेजों के द्वारा, यह दूसरा कारण था जिसके कारण जनजातीय विद्रोह हुआ था। अब आते हैं तीसरे कारण के, आदिवासियों को प्रदेशों में अधिकार कर लिया, आदिवासियों का जो क्षेत्र था है ना, आदिवासियों का जो जंगल था, जमीन था है ना, कहीं पर भी सड़क बना दिया जा रहा है, कहीं पर भी थाना बना दिया जा रहा है, कहीं दफ्तर बना दिया जा रहा है, कहीं पे एकदम राजमहल बना दिया जा रहा है, कहीं पर अंग्रेज अधिकारी का एकदम बढ़िया से एकदम फाइव स्टार होटल उसका बन रहा है, फाइव स्टार होटल, अरे कहने का मतलब यह है कि उसके लिए बढ़िया से एक घर बन रहा है, राजमहल बन रहा है। तो ये सब चीजें आदिवासियों के जमीनों को जबरन छीन करके जबरदस्ती बना दिया जा रहा है कि जाओ इस एरिया में अब पुलिस थाना बनेगा, तुम दूसरे जगह खेती करना, जाओ इस जगह पे राजमहल बनेगा, तुम दूसरे जगह पे करना, जाओ यहाँ पर पुलिस थाना क्या बोलते हैं सरकारी दफ्तर बनेगा, तुम दूसरे जगह खेती बाड़ी करना। और इस तरह करके जबरदस्ती क्या किया गया, लोगों का अधिकारों को छीना गया। तो ये जो है तीसरा कारण था जिसके कारण जनजातीय विद्रोह हुआ था। चौथा कारण के बारे में बात करिए तो साथियों की कर्मचारियों का शोषण, आदिवासी लोग अपने ही घर में, अब आपके घर में कोई आए है ना मेहमान की तरह, तो आपके घर में आए, आपका नाश्ता भी खाए, आपके यहाँ से चाय पनीर नाश्ता कर लिया, और उसके बाद बोलेगा कि एक काम करो मेरा सुबह से लेकर शाम तक पैर दबाओ है ना, एक काम करो मेरे लिए काम करो है ना। इस तरह करके अलग अलग चीजों कि कर्मचारियों का क्या, अलग अलग तरीके से कर्मचारियों का शोषण किया जाने लगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी की बीवी है ना, आराम से कुर्सी में बैठी हुई, और चार पांच को क्या है आदिवासी लड़के इन लोगों को इसको बग्घी में बैठा करके, या जिसको क्या बोलेंगे हम लोग पालकी बोलेंगे, तो पालकी में बैठा करके मैडम को क्या हो रहा है घुमाया जा रहा है। खैर आगे समझिए। इसके बाद अगर बात करें साथियों जबरदस्ती खेती बाड़ी करवाना है ना, अंग्रेज मैक्सिमम एरिया में अलग अलग प्रकार में जो भी वो लोग खेती किया करते थे, उन खेती को बढ़ाने के लिए बोला करते थे कि ज्यादा तुमको उपज करना पड़ेगा, ज्यादा तुमको जो है खेती बाड़ी करना पड़ेगा, और जो भी उनका रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका मैक्सिमम एरिया अंग्रेज ले लिया करते थे। इस तरह करके जबरन काम करवाना भी आपका चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण के बारे में बात करें तो आदिवासियों की बहु बेटियों का जो शोषण हुआ, आदिवासी बहु बेटियों के, यह तो शुरू में थोड़ा कम था लेकिन बाद में जाकर के ये चरम रूप धारण कर लेगा। तो यही आदिवासी महिलाओं का जो शोषण हुआ जिसके कारण भी जनजातीय विद्रोह प्रमुख कारण रहा। जो जमींदार हुआ करते थे, कुछ सॉफ्ट नेचर, कुछ जमींदार तो कन्वर्ट हो गए, कुछ जमींदार अंग्रेजों के अधीन कार्यरत हो गए, लेकिन कुछ जमींदार ऐसे थे जो अच्छे थे है ना, जो लोगों के समस्या को समझते थे। जब राजा का शासन हुआ करता था झारखंड के क्षेत्र में, तब जो जमींदार हुआ करते थे कुछ बढ़िया नेचर के, वो जमींदार आकर के क्या कहने लगे कि देखो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जमींदार तो लगे हुए थे अपना काम में अंग्रेजों के अधीन, लेकिन कुछ जमींदार आकर के बोलते हैं कि अरे भाई कब तक ऐसा करोगे, हमारे ही अधिकारों से हमें वंचित कर दिया गया है, हमारी ही जमीन में आए हैं, हमारा ही खा रहे हैं और हमें ही नहीं दे रहे, हमारा मैक्सिमम चीजें ले ले रहे, तो स्वतंत्रता हमसे छीन लिया गया है, इससे बढ़िया तो मुगल बादशाह हुआ करते थे, इससे बढ़िया तो आज तक जितने भी लोग आए है ना झारखंड के सरजमी में इस तरह से प्रकोप नहीं दिखा, झारखंड के सरजमी पे इस तरह का शोषण नहीं दिखा, तो चलो इसके इनके खिलाफ आवाज उठाया जाए। और इस प्रकार से कई अनेक जमींदारों ने, कई राजाओं ने, उनके मन में असंतोष था, आम लोगों को जो आम नागरिक हुआ करते थे या आम जनजाति जो हुआ करते थे उन लोगों को उकसाना शुरू किया कि देखो ये सब चीजें ठीक नहीं हो रहा है। आगे समझिए। इसके बाद अगला कारण, पांचवा के बाद छठा कारण, ये था कृषि की समस्या है ना। आपको पता है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने झारखंड के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया था, या अस्थाई बंदोबस्त लागू करके शुरू भी कर दिया था। इसमें क्या था कि लगान देने की जो व्यवस्था है वो जो है जो 3 महीने 6 महीने और साल भर में दी जानी थी वो महीने भर में दिया गया। जब जब उपज होता, ये स्थाई बंदोबस्त नीति के तहत 90% तक हिस्सा, यानी कि 10 किलो अगर आप चावल उत्पन्न किए अपने यहां से, 10 किलो गेहूं उत्पन्न किए तो 9 किलो ले लेगा अंग्रेज और आपको रख देगा 1 किलो है ना। आपका मेहनत, आपका सारा साधन, आपका सारा खर्चा, आपका सारा परिश्रम, लेकिन 90% हिस्सा लूट करके कौन ले जाएगा, अंग्रेज ले जाएगा। तो वही वाला बात है कि लगान देना प्रारंभ यहां से होता है। फिर लगान जो है अप्रत्याशित रूप में वृद्धि होता है, 90% अचानक से नहीं हो जाता है, पहले 20% रहता है मान लेते, फिर 30, 40, 50, 60, 80 इस तरह करके लगातार जब 10% आप लोगों को पता है कि अभी आप अगर कहीं से कर्ज लेते हैं तो 5% या 10% के लिए आज, तो वो टैक्स को मान लीजिए कोई बैंक या कहीं से लेते हैं तो वो टैक्स को इनहेंस होने में, परसेंटेज इनहेंस होता है क्या जल्दी, नहीं होता, कई सौ साल तक, कई सालों तक परसेंटेज इनहेंस नहीं होता,
और होता ही भी है तो 0.1%, 1%, 2%, यहाँ पे लगातार 10-10% के हिसाब से आपका टैक्स बढ़ रहा था। आगे भूमि के बदले ऋण, अब ये लोग क्या था कि मान लीजिए कि खेती बाड़ी किए, अब हमेशा तो मौसम ठीक नहीं रहता है, कभी अगर नुकसान हो गया, खेती बाड़ी में नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो वो लोग क्या करते थे कि जो अंग्रेजों के अधीन जमींदार हुआ करते थे उनके पास ऋण मांगने के लिए जाते थे कि मेरा जमीन का पेपर के बदले हमको ऋण दे दीजिए। अब वही लोग है कि ऋण समय से अगर नहीं चुका पाते थे तो उनके जमीनों की नीलामी कर दी जाती थी, टैक्स अगर पे नहीं कर पाते थे जमीनों को कब्जा कर लिया जाता था, फिर जमींदारों को ही बेच दिया जाता था। तो इस तरीके से देख रहे कि अंग्रेज के अधीन जो जमींदार थे, और अंग्रेज ये तो एकदम मालामाल थे, लेकिन भारत के जो आम झारखंड के जो आम जनजातीय हुआ करते थे उनका बहुत बुरा हाल था झारखंड के क्षेत्र में। और यही है कि इस प्रकार से जमींदार साहूकार इत्यादि के चंगुल में लोग फंस जाते हैं। फिर 1870 में आता है वन कानून। वन कानून के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल। आगे समझिए, सातवां छठा कारण के बाद सातवां कारण को समझते हैं। सातवां कारण है आपका अकाल। 1770 ईस्वी में, फिर इसके बाद 1777 ईस्वी में और 1800 ईस्वी में तीन बार अलग अलग टाइम पीरियड में अकाल पड़ता है। अकाल मतलब पता है कि सूखा पड़ता है ना, तो भूख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। झारखंड के जो आम जनजातीय थे बहुत परेशान थे, इन लोगों से इस प्रकार से इन्हें लूटा गया, 90% तक रेवेन्यू कलेक्ट किया गया कि इनके पास खाने के भी कुछ नहीं, सारा हिस्सा तो ले लिया, लेकर के अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में बेच दिया करते थे, जो भी इनकी खेती बाड़ी करके जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था। तो जब अकाल आया तो अकाल की स्थिति में जो है आप देख पा रहे हैं, ये इमेजेस देखिए कि कैसे सूख करके काटा हो गया आदिवासी, और ये लोग जो है आम जमींदार और अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के अधीन जमींदार जो थे या अंग्रेज अधिकारी थे उनके सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगे कि हमें कुछ खाने के लिए पैसे दे दीजिए, हम लोग कैसे जिएंगे, है ना, बड़ा बुरा हाल है। तो ये वाला स्थिति है कि अकाल की स्थिति में इन लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, बोलता है कि तुम लोग मरो चाहे जियो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये वाला बात ये लोग सुन लेते हैं कि बेटा मेरा ही सामान लेकर के, मेरा ही जमीन में कब्जा करके, मेरा ही सब कुछ हासिल करके, और जब अकाल जैसी स्थिति में हम कुछ खाने को मांग रहे हैं अपने लिए अपने बच्चे के लिए, तब भी हमको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, यहां से आदिवासी हो जाते हैं पूरा सन की कि आप तो बेटा मारेंगे, आप खूब मारेंगे, और यहां से मारना बेसिकली शुरू होता है ना। और ये लोग जब भूख से आदमी तड़पता है, आदमी के भूख, कोई भी इंसान भूखा रहे तो उसे बाबू खाना जरूर देना है ना, भूख ऐसा दर्द है जिसका निवारण करना बहुत जरूरी है। आप ईश्वर अल्लाह परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा आप जाते हैं, वहां पर भगवान की आराधना करते हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है अगर आप किसी भूखे इंसान को देकर के उसका दो वक्त का खाना नहीं दिलवा सकते, ठीक है। अरे मेरी क्या जिंदगी है वो, मेरी क्या वो कमाई है कि किसी कोई भूखा रोता बिलखता बच्चा मुझे दिखे और मैं उसे खिला ना पाऊं दो वक्त की रोटी। तो यही है कि भूखा बिलखते हुए लोग, जनजातीय लोग परेशान थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कुछ नहीं किया गया, जमींदारों के द्वारा कुछ नहीं किया, तब इन लोग अंतिम में ऐसे ही नहीं लड़ाई हुआ था। लोग बोल देते हैं कि आदिवासी लोग बहुत लड़ाकू थे, झारखंड के लोग बहुत लड़ाकू थे। इस तरह का हाल अगर आपके साथ किया जाएगा तो आप नहीं लड़िएगा, आप नहीं मारिएगा, है पकड़ के फाड़ दीजिएगा उसको। तो वही वाला बात है कि अब यहां से शुरू होगा, है ना, एक से एक योद्धा आएंगे और आकर के एकदम बैंड बजा देंगे अंग्रेजों के, है ना। मैं बहुत सारे अपने शब्दों में विराम लगा रहा हूं, नहीं तो मेरे शब्द तो टेक्निकल होते हैं जिससे ये बहुत बुरी तरह बेइज्जती में कर दूंगा, बीच में करूंगा, डोंट वरी, है ना। तो शब्दों का चयन करके पढ़ाना होता है। तो वही वाला बात है कि जब अकाल की स्थिति आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, तो हथियार उठाने पर विवश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप तो मारना पड़ेगा, ठीक है, भूखे नहीं ना मारेंगे जी। खैर 1870 ईस्वी में वन कानून लागू हो जाता है। वन कानून बेसिकली क्या था, पता है कि आदिवासी उस दौर में अंग्रेजों के आने से पहले जंगलों में जाते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन खेती बाड़ी के बदले में बहुत कम टैक्स पे किया करते थे। दूसरा था कि पशुओं का शिकार किया करते थे, जंगलों में जाकर के पशुओं का शिकार करते, वनस्पतियों को लेकर के आते, जंगलों में जो भी वनस्पति है, लकड़ी है, या तो किसी भी प्रकार के वन संपदा है उनको, उनका व्यापार करते थे। वनों में बहुत सारी औषधियां मिलती थी, बहुत सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां मिलती थी, उनका सदुपयोग करते थे, उनका दवाई बनाया करते थे, और इस तरह करके अपना जो है भरण पोषण करते थे, और अपने आप को मतलब उनके इकोनॉमी का एक आधार हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वन कानून 1870 के दशक में बनता है, इस वन कानून में कह दिया गया कि वन संपदा का आप उपयोग नहीं कर सकते, जंगलों से कुछ भी आप लोग लाएंगे तो उसके बदले टैक्स पे करना पड़ेगा, या तो आप जंगलों से कुछ भी ला नहीं सकते। अब ये बोले कि भाई ये जंगल तो मेरा है, ये तुम्हारे बाप का तो नहीं है, तो तुम आए हो मेरे बाप के द्वार में और फिर मेरे ही सामान में बोल रहे हैं कि तुमको हमको टैक्स, मेरे ही जंगल में जाने के लिए हमको टैक्स देना पड़ेगा जी, तो आप समझना अब क्या होगा। देखो आगे, खैर बची कुसी कसर जो है ये जमींदार ठेकेदार साहूकार व्यापारी कर देते हैं, है ना। ये लोग जो है
मैंने बोला है कि किस प्रकार से ये लोग जो है शोषण शुरू करते हैं, वन नीति का समर्थन ये भी करते हैं, जाहिर सा बात है अंग्रेजों के कुत्ते थे तो अंग्रेजों की तरह ही भोंकेंगे। आगे बढ़िए, इसके बाद लास्ट में जो सब्र का बांध टूट जाता है, झारखंड में हमेशा सब्र का बांध तब टूटा है जब यहाँ की संस्कृति और यहाँ की धरोहर को उजाड़ने का किसी ने प्रयास किया है, और यही कि झारखंड के संस्कृति और धरोहर को उजाड़ने की प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहले क्या क्या और लास्ट अंतिम कारण, आठवां नवा या दसवा होगा जो भी हो, है ना, तो सबसे पहला कारण था दीकुओं एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव, है ना, छुआछूत की नीति थी। दीकुलो यानी कि जो गैर आदिवासी लोग थे, जो गैर आदिवासी लोग थे, गैर आदिवासी नहीं बोलेंगे, जो झारखंड के बाहर के लोग थे उनको दीकू बोलना सही रहेगा, ठीक है। तो जो झारखंड के बाहर के लोग थे, जो झारखंड में आकर के बसे थे, और चूंकि आदिवासी थोड़े सांवले प्रकृति के होते, थोड़े सांवले रंग के होते, या उस समय जो है काफी गरीबी थी, तो उस तरह से छुआछूत की नीति थी, टच करने से बचना चाहते थे, है ना, खैर पालकी उसका वही आदिवासी उठा करके ढोएगा, लेकिन ऐसे में टच करने से उन लोगों को दिक्कत है, खैर कोई नहीं। तो इस प्रकार के अलगाव की स्थिति का सामना, छुआछूत की स्थिति का सामना करना पड़ा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया। ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं, आपको पता है कि झारखंड में ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा आज भी प्रचलन है, ना, यहां तक कि आप भगवान बिरसा मुंडा भी ईसाई धर्म के प्रति पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ईसाई धर्म से कोई उनको रुचि नहीं था, बीच में छोड़ के आ गए थे, लेकिन चूंकि पढ़ाई करने के लिए आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ता था, इस तरह की नीति जो है अपना ली गई थी, यानी कि जो जनजातीय लोगों के बच्चे हैं उनको पढ़ाई करना है तो ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जाने लगा कि ईसाई धर्म में अगर आओगे तो तुमको खाना पीना खाने के लिए मिलेगा, तुम्हारे ऊपर जो है जुल्म नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर अंग्रेज ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का भी वही धर्म है। तो इस तरीके से बहुत लोग, आदमी भूखा पेट क्या ना करे, तो ईसाई धर्म को मान लेते हैं और ईसाई धर्म अपना लेते हैं, और इस प्रकार से जब इनके संस्कृति के साथ खिलवाड़ होता है तो ये सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है जनजातीय विद्रोह का। और ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे जो मैंने कारण बताए, जितने भी झारखंड में जनजातीय विद्रोह होंगे, मैक्सिमम जनजातीय विद्रोह में यही प्रमुख कारण है, इन्हीं में से, इन्हीं 10 कारणों में से कुछ कारण को सम्मिलित करके एक विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सारी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। खैर, तो इसी का परिणाम रहता है कि विद्रोह की नींव रखता है ये सभी कारण, और जनजातीय विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आइए साथियों शुरू करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों के, नहीं बहुत मजा आ रहा होगा नहीं जी। देखो ये जो इतनी आसानी से मैं कहानियां बताता हूँ, इतनी आसानी से आप लोग समझते हैं या इतने आसानी से आपको मजा आता है, ये स्क्रिप्ट लिखने में, ये स्क्रिप्ट तैयार करने में मुझे काफी मेहनत लगता है। अगर आपको लग रहा होगा कि 8 बजे विशाल सर आकर के लाइव आ गए, तो मैं बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से मैं ये कंटेंट को रेडी कर रहा हूँ, और सुबह 6:30 बजे से मैं इस यहीं पर खड़ा हूँ, यानी कि अभी आप हमको देख रहे हैं तो 2 घंटे में यहाँ पे खड़ा था, उसके बाद क्लास लेने के लिए आया, इतना मेहनत से मैं आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। इतना मेहनत से मैं, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है इस तरीके से एक्सप्लेन करने में, मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों को दिमाग में कोई चीज फिट करने में, और पढ़ाने में, मतलब पढ़ाने के लिए नौकरी तक छोड़ दिया तो आप क्या ही समझ सकते हैं। चलो भाई, तो इस प्रकार से ढाल विद्रोह, इस प्रकार से जो झारखंड में पहला जनजातीय विद्रोह हमें देखने को मिलता है वो है ढाल विद्रोह, जो 1767 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 1777 ईस्वी तक ये चलता है, 10 वर्षों तक ये ढाल विद्रोह प्रारंभ होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि झारखंड में अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश करते हैं, तो आइए ढाल विद्रोह के पूरे कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ढाल भूमि में किस प्रकार से ये विद्रोह होता है। अभी मैंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से अंग्रेज झारखंड में आए और विद्रोह के क्या प्रमुख कारण थे, तो उन सभी कारणों को आपने बहुत बेहतरीन ढंग से आशा करते हैं कि समझ लिया होगा। मैं एक बार आप लोगों के कॉमेंट पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ाने के दरमियान कॉमेंट नहीं पढ़ता बउआ, ठीक है, मैं पहले ही बोल दूँ कि पढ़ाने के दरमियान मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पढ़ाने के दरमियान सर रेगुलर क्लास होगा यूट्यूब पर, जी नहीं रेगुलर क्लास नहीं होगा यूट्यूब पर। सर झारखंड सचिवालय भर्ती कब आएगा, ले कौन दुनिया में खोया हुआ है जी, इसको पता नहीं कि वैकेंसी आ गई और पूछ रहा है कि कब आएगा। खैर आशा करते हैं आप लोगों को मजा आ रहा होगा, तो हम कमेंट को अब ऑफ कर दिए हैं, मुझे पढ़ाने दो, पढ़ाने में ज़्यादा मजा, कमेंट भी पढ़ेंगे जब सामने स्क्रीन लगा हुआ रहेगा तब थोड़ा देख लेंगे, है ना, आज शाम को लग जाएगा स्क्रीन, उसके बाद कमेंट पढ़ने में मजा आएगा नहीं। खैर तो वही है कि 1767 ईस्वी में अंग्रेज जो है सिंहभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश करते हैं बउआ, ठीक है। सिंहभूम पर, पूरे झारखंड के सिंहभूम पर अधिकार करने का जो जिम्मेदारी होता है वो अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन को ये जिम्मेदारी मिलता है कि जाइए और सिंहभूम में इस एरिया को कैप्चर करने का काम कीजिए। खैर आपको पता है एक दूत है ना, फर्ग्यूसन क्या करता है, अपना दूत जो है ढाल राजा के पास भेजता है कि ढाल राजा के पास जाओ, ढालभूम का जो राजा है उसके पास जाओ और वहां पर जो है
प्रस्ताव दो कि वो आत्मसमर्पण कर दे सिंहभूम में, अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं सिंहभूम पर कब्जा स्थापित करने के लिए। डालभूम के राजा बोल देते गए बेटा सुनो, जहां से जिधर से आए हो उधर को ही निकल जाओ और बोल दो कि युद्ध की तैयारी करें, मैं भी अपनी सेना लेकर के आ रहा हूं। और इस तरीके से दूत जाता है, अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन को बोलता है कि आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया डालभूम का राजा, चलिए युद्ध की तैयारी शुरू कीजिए उन्होंने बोला। और फर्ग्यूसन जो है गुस्से में आग बबूला होकर के अपनी सेना को तैयार करता है और एक ऐतिहासिक युद्ध हमें देखने को मिलता है, वह ढाल युद्ध है ना। तो इस ढाल युद्ध में ढालभूम के राजा और अंग्रेजों के बीच में यह भीषण युद्ध होता है। कई दिनों तक ये युद्ध चलता है लेकिन आखिरकार अंततः आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सिपाहियों के अधीन ढालभूम के राजा को पराजय का सामना करना पड़ता है। भले ही वो डट करके हिम्मत से अंग्रेजों का सामना करते हैं लेकिन आखिरकार कई दिनों के युद्ध के पश्चात ढालभूम के राजा को पराजय का सामना करना पड़ता है। ढालभूम का राजा जैसे ही देखता है कि मेरी सेना कमजोर हो रही है, मेरी सेना हार सकती है, वो अपने एक सिपाही अपने एक दूत को भेज देता है वापस से राजमहल, बोलता है राजमहल जाओ, राजमहल में आदेश देना कि पूरे मेरे राजमहल को पूरे संपत्ति के साथ आग लगा दिया जाए। और इस तरीके से युद्ध के मैदान से एक दूत किसी तरह बच करके फरार होता है और घोड़े में सवार होकर के वो ढालभूम के राजमहल तक आता है और सभी सैनिकों को आदेश देता है जितने भी लोग वहां रहते हैं कि जंगल हमारा राजमहल जो है इसमें जितनी भी संपत्ति है संपत्ति के साथ पूरे राजमहल को आग लगा दिया जाए। फर्ग्यूसन तक ये खबर पहुंचती है कि ढालभूम के राजा ने अपने राजमहल में आग लगा दी है और इधर ढालभूम का राजा वीरतापूर्वक जो है युद्ध लड़ रहा था। युद्ध में लड़ता लड़ता आखिरकार ढालभूम के राजा की मृत्यु हो जाती है और ढालभूम के राजा की मृत्यु होने के साथ ही फर्ग्यूसन जो है दौड़ता हुआ अपने घोड़े से जाता है राजमहल की तरफ कि आखिर कुछ संपत्ति बच जाए, बहुत अमीर था ये है ना, किसकी संपत्ति पूरी तरीके से जल के राख हो जाएगी तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह करके जब फर्ग्यूसन वहां तक पहुंचता है देखता है कि सारी संपत्ति जल के खाक हो गई है, राजमहल बस जल रहा था, तो वही जलते हुए राजमहल पर कब्जा कर लिया किसने, फर्ग्यूसन ने, और वहां पर बोल दिया कि अब से ढालभूम के क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन व्यवस्था है। अब अंग्रेज आए थे पूरे झारखंड को उन्हें जीतना था, एक छोटे से सिंहभूम से उनका क्या होने वाला था है ना, पूरे भारत में कब्जा करने का सपना जो देखा है एक एरिया से क्या होगा। तो वो लोग क्या करते थे कि पहले जगह का कैप्चर करते, वहां पे एक राजा नियुक्त कर देते, वो राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करता था, उसको सालाना टैक्स पे करना पड़ता था। तो बेसिकली इसी प्रकार से अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अगर वो टैक्स पे करने से मना करेगा या नहीं देगा तो उसके ऊपर वापस से हमला होगा और वापस से उसे जीत करके दूसरा राजा नियुक्त कर देगा, यही पूरा प्रोसेस था। तो वही प्रक्रिया होता है कि जो ढालभूम का राजा थे है ना, जो ढाल राजा थे उन्हीं का एक भतीजा रहता है जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल को नया राजा नियुक्त किया जाता है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, बोलता है कि अब तुम ढालभूम के राजा बनो, देखो तुम्हारे चाचा तो नहीं रहे, अब तुम सॉरी ढालभूम के राजा को मारा नहीं जाता है, उन्हें बंदी बना करके जो है मिदनापुर में भेज दिया जाता है। ये एक गलती हुई है ध्यान रखिएगा ठीक है, कि ढालभूम के राजा को मारा नहीं जाता है, उन्हें बंदी बना करके कहाँ बना भेज दिया जाता है, मिदनापुर भेज दिया जाता है। मिदनापुर जानते हैं कि बंगाल का इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है झारखंड के बगल में है ना, मिदनापुर के रास्ते ही तो आए थे अंग्रेज। तो वही है कि ढाल राजा का जो भतीजा रहता है, क्या नाम था उसका, जगन्नाथ ढाल, तो जगन्नाथ ढाल को नया ढालभूम का राजा जो है अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। अब जगन्नाथ ढाल नियुक्त हो जाता है, उसको बोला जाता है कि सालाना तुमको इतना टैक्स पे करना है, जगन्नाथ बोलता है ठीक है चाचा दे देंगे पैसा है ना। लेकिन एक साल के बाद ही जगन्नाथ ढाल बोल देते हैं कि देखो पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, पैसा वैसा हम नहीं दे पाएंगे, टैक्स पे करने से हम मना करते हैं, तुम मेरे जमीन में आए, मेरे जमीन में कब्जा करके मेरे चाचा को तुम बंदी बना करके तुम मेरे से टैक्स वसूल करेगा, अरे कितना बड़ा तुम दिसमरखा है। तो वही वाला बात है कि जब एक साल बाद टैक्स करने से मना कर देता है जगन्नाथ ढाल, तो अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं अरे इसको इसके ऊपर हमला करो जी। तो वही वाला बात है कि अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि 22 मार्च 1767 ईस्वी में जलते हुए महल पर फर्ग्यूसन ने कब्जा किया था ढालभूम के राजा का है ना। तो वही वाला बात है कि अंग्रेज लेफ्टिनेंट रूक है ना एक सेना भेजता है जगन्नाथ ढाल की तरफ, जगन्नाथ ढाल के ढाल का जो एरिया था या जो राजमहल था उसके तरफ जो है अपनी एक अंग्रेज की टुकड़ी भेजता है, बोलता है कि जहां पर जगन्नाथ ढाल दिखाई दी उसको वहीं पे गोली मारो। इधर जगन्नाथ ढाल को पता चलता है कि अंग्रेज आ रहे हैं तो वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब जगन्नाथ ढाल जब फरार हो जाता है तो उसके भाई को जिसका नाम रहता है नीमू ढाल, नीमू ढाल को पकड़ करके भैया बंदी बना लिया जाता है। और नीमू ढाल को बंदी बनाया है कि चलो भाई जगन्नाथ ढाल आ जाएगा, ये नीमू ढाल क्या करता है अंग्रेजों से दोस्ती कर लेता है, बोलते कि देखो मेरा भाई तो चला गया फरार हो गया, हमको नया राजा बना दो, तुमको जितना भी टैक्स वैक्स चाहिए हम तुमको देने के लिए तैयार है। तो नीमू ढाल को जब नया राजा बनाया जाता है ना, नीमू ढाल की बातों से प्रभावित हो जाते हैं अंग्रेज अधिकारी और नीमू ढाल को क्या करते हैं नया राजा घोषित कर दिया जाता है ढालभूम का। अब नीमू ढाल अंग्रेजों से दोस्ती कर लिया था, ये बात जो है
आम नागरिकों को पता चलती है, ढाल घूम के आम प्रजा को पता चलती है, तो आम प्रजा जो है विद्रोह कर देती है ना, बोल देती है कि इसको हम राजा नहीं मानेंगे, इन्होंने इसने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली है ना, इसने अपने भाई, इसका भाई जो है कहीं किसी तरह बच करके भागा हुआ है, जो हमारा वास्तविक राजा है, उस वास्तविक राजा के होते हुए इस राजा को हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन क्या ही कर सकते थे, निमू ढाल जो है नया राजा बन गया। इधर ये खबर मिलती है जब जगन्नाथ ढाल को कि मेरा भाई ही मेरे साथ दगाबाजी कर दिया, जगन्नाथ ढाल जो अपने भाई को भी सबक सिखाने की प्लानिंग करता है, अंग्रेजों को भी, जंगल के रास्ते अपनी सेना तैयार करना शुरू करता है ना। खैर एक चीज और समझ लीजिए कि ढाल भूम का जो नया राजा है वो निमू ढाल बनता है, और किसके नेतृत्व में, ये कैप्टन चार्ल्स मार्गन के नेतृत्व में, कैप्टन चार्ल्स मार्गन के नेतृत्व में, लेकिन जनता क्या कर देती है, विरोध करती थी। खैर जनता विरोध करे तो क्या दिक्कत, जनता इधर विरोध किया, लेकिन जनता विरोध करने के पश्चात भी निमू ढाल क्या होता है, नया राजा बन जाता है। जगन्नाथ ढाल को ये जब पता चलता है, अंग्रेजों के खिलाफ उसको पता था कि मेरी अभी सेना कम है, मेरे पास शक्ति अभी कम है, और अंग्रेजों को हम डायरेक्टली नहीं हरा सकते युद्ध में, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को धीरे धीरे छोटे छोटे एरिया को पराजित करते करते अंग्रेजों को हराना पड़ेगा। और इस तरीके से जंगल के रास्ते एक सुनसान इलाके में अपना ठिकाना बना लेता है जगन्नाथ ढाल, और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग शुरू करता है, और छोटी छोटी सेना की टुकड़ियों को गठन करना शुरू करता है। वह भेष बदल करके अपने साम्राज्य में जाता है, अपने गांव में जाता है, और वहां से लड़कों को इकट्ठा करके लाता है। लड़कों के बीच में आदेश देता, लड़कों के बीच में वो स्पीच देते हैं, और स्पीच में जगन्नाथ ढाल कहते हैं कि देखो ये हमारा एरिया था, ये हमारा क्षेत्र था, हमारी जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए ये लोग आ गए, और हमारी एरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, हमारी एरिया पर कब्जा स्थापित करने का काम कर रहे हैं, मेरा सगा भाई मेरे साथ गद्दारी कर बैठा, तो आप लोग मेरी प्रजा, आप लोग ही मेरा साथ दे सकते हैं। और इस प्रकार से वहां की आम प्रजा जगन्नाथ ढाल की स्पीच को सुन करके मोटिवेट होती है और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार होती है। लेकिन बोले कि डायरेक्टली अभी नहीं विद्रोह करना सही, मुझे कुछ कुछ लड़के चाहिए, तो गांव से अलग अलग लड़के आते हैं और जगन्नाथ ढाल की सेना में वो लोग सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार से विद्रोह की बिगुल फूकने की तैयारी चल रही थी। खैर जंगलों में जाकर के जगन्नाथ ढाल ने, हमने कहा कि उसने सेना का गठन कर लिया और प्रजा के बीच जाकर के उसने विद्रोह के लिए उकसाया, और लगातार 10 वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध वो विद्रोह करता रहा, करता रहा, करता रहा। पूरे ढाल भूम के मैक्सिमम एरिया को, 80-85% एरिया को जगन्नाथ ढाल ने अपने कैप्चर में ले लिया, यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे जो ढाल भूम के एरिया थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, और 10 वर्षों तक ये लगातार संघर्ष जारी रहता है। 10 वर्षों तक अंग्रेजों को मारने का काम करता है जगन्नाथ ढाल। अंग्रेज अधिकारी समझ चुके थे कि देखो 70-80% जगह को तो ये कैप्चर कर ही लिया है, और ये अंदर से अंग्रेज हारने को तैयार नहीं, वो हर बार सेना बढ़ा रहे हैं और वो हर बार हमला कर रहा है, तो ये सिलसिला लगातार कई वर्ष, कितने वर्षों तक चलता। 10 वर्षों के पश्चात अंग्रेज अधिकारी ने बोल दिया कि देखो भैया अब युद्ध को खत्म करो, तुम भी शांत नहीं हो रहे और हम लोग भी शांत नहीं हो पा रहे, ठीक है बहुत मार मार ली हमको, तो अब एक काम करो, एक संधि प्रस्ताव कर लो। तो 1767 ईस्वी में अंग्रेज परेशान होकर के पुनः शासक बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जगन्नाथ ढाल को, और बोलते देते हैं कि देखो सालाना तुमको 2000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक साल जो है 1000 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले 2000, फिर 3000, फिर 4000 करके टैक्स हुआ, लेकिन अंतिम समय में जगन्नाथ बोल दिया आप रोको, 1000 नहीं सकेंगे देने के लिए। तब फाइनलाइज होता है कि फाइनल टैक्स होता है 18वीं शताब्दी में कि अब जो है 4267 रुपये ही आपको टैक्स पे करना है, और ये फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है कुछ वर्षों के लिए ये फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ तक ये जो कहानी थी, ये ढाल भूम के राजा की कहानी या ढाल विद्रोह की पूरी कहानी थी। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, है ना। एक लड़का इधर उधर हिला नहीं है ना जी, वाह शाबाश, एक लड़का इधर उधर हिला नहीं है, मानना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ेंगे आप। चलो भैया अब आते हैं ढाल भूम के बाद। ढाल भूम के बाद आपको पता है कि झारखंड की धरती पर एक महान जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, चुवाड़ विद्रोह, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक में एक बहुत बड़ा इशू है ना, कि चुवाड़ विद्रोह का महानायक कौन, और इसको लेकर के कई सारे कॉन्ट्रोवर्सी हुई। मेरा जो वीडियो था उस पर मैंने, तो आप जब देखेंगे उस वीडियो को जाकर के, तो उसमें चुवाड़ विद्रोह के महानायक का मैंने नाम ही नहीं लिया किसी कॉन्ट्रोवर्सी से मैं फंसने के लिए। लेकिन मैंने वहाँ पर एक बात बोला था कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड के राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो चुवाड़ विद्रोह के महानायक के रूप में आपको रघुनाथ महतो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वहाँ पर रघुनाथ महतो को साइन किया जाता है या उन पर फाइनल मोहर लगाया जाता है।
इस प्रकार से चुवाड़ विद्रोह का महानायक, इसके ऊपर प्रश्न भी आ चुका है जो एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में, तो वहां पे रघुनाथ महतो ही विकल्प में था और उसी को सही माना गया। तो चूंकि हम यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ा रहे, तो रघुनाथ महतो को ही हम लोग चुवाड़ विद्रोह का महानायक के रूप में जानेंगे, जो कि क्रिस्टल क्लियर बात है ना। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बातें करने के लिए और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने के लिए मेरा शुरू से ही रहा है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो मुंह के सामने होगा, है ना। जो रियलिटी है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। और रियलिटी में ये चीज़ को कहीं पे दावा नहीं कर रहा हूँ कि चुवाड़ विद्रोह, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि कौन प्रमुख लोग है, उस समय मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से रघुनाथ महतो को ही हम लोग आज के वीडियो में मान करके चलेंगे। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया ताकि बीच में आप लोग कमेंट ना करें। खैर, ढालभूम में जीत हासिल करने के पश्चात अंग्रेज जंगल महल की तरफ बढ़ जाते हैं। जंगल महल का एरिया आपको पता है कि झारखंड एवं बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर के ही आपका जंगल महल का एरिया जो है आपका तैयार होता है। मैंने नक्शा में पहले भी बता रखा है, आज मेरे पास नक्शा वो नहीं है। एक काम करते हैं, अगले क्लास में हम जंगल महल का नक्शा आप लोगों को बता देंगे, ठीक है भाई। तो यही है कि झारखंड एवं बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर के आपका क्या बनता है भाई, जंगल महल का एरिया बनता है। ढालभूम का एरिया को जीत लिया, अलग अलग एरिया में पूरे झारखंड में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं अंग्रेजों को। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है, 10 साल तक ढाल विद्रोह चला, यहाँ 30 साल तक चुवाड़ विद्रोह चलेगा, है ना। जहां रे बात तो समझ रहे हो, अगले जगह कहीं पे भी भारत के किसी भी प्रांत में जा रहे हैं, एक एक साल में हरा दे रहे हैं, पूरा उसके साम्राज्य को कब्जा कर ले रहे हैं। यहाँ 10 साल पहला ही विद्रोह 10 साल और दूसरा ही विद्रोह 30 साल तक लड़ाई चलता रहता है ना। खैर, पहले तो आप समझ लीजिए चुवाड़ विद्रोह के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे बबुआ, तो चुवाड़ का मतलब क्या होता है, कहीं पे चुवाड़ दिखाई देगा, कहीं पे चुवाड़ दिखाई देगा, है ना, कहीं पे व और अ इस प्रकार का स्पेलिंग दिखाई देता है। तो 1769 से लेकर के 1805 ईस्वी तक लगभग 35 वर्ष दिख रहा है, लेकिन कहीं पे में बीच में स्टॉप हुआ था, 30 वर्ष का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है, 30 वर्ष का टाइम पीरियड माना जाता है। 70, 80, 90, 100 36 वर्ष यहां दिख रहा है, लेकिन 30 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। खैर, तो सबसे पहले हम लोग चुवाड़ के बारे में समझ लेते हैं कि चुवाड़ का मतलब क्या होता है। चुवाड़ का मतलब होता है असभ्य या नीची जाति के लोग। नीची जाति का हम नहीं बोलते चुहाड़, अरे चुहाड़ जसन करे तो है, चुहाड़ जसन करे हो, इस तरह करके हम लोग खोटा में बोलते हैं ना, एकदम चुहाड़ लगे की रे, तो वही वाला बात है कि चुहाड़ का मतलब वही हुआ कि असभ्य और नीची जाति के लोग, है ना। तो यही कि चुहाड़ शब्द से किन्हें संबोधित किया गया, तो जंगल महल के जो भूमि जुआ करते थे उनको चुहाड़ कहकर संबोधित किया गया। खैर, चुवाड़ लोगों के बारे में अगर बात करें तो ये लोग दो तरीके से जो है झारखंड के एरिया में निवास करते थे, या दो तरह का इनका जो है क्रियाकलाप था जीवन में। पहला था कि ये स्थानीय जमींदार जो हुआ करते थे उनके पाइक के रूप में काम करते थे, यानी कि सिपाही के रूप में काम करते थे। इनको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता था, वेतन के बदले इन्हें जमीन मिलती थी, जिसे पाइकान भूमि कहा जाता था, है ना, पाइकान भूमि कहा जाता था। खैर, जो कुछ लोग तो जमींदार के पास पाइक के रूप में काम करते थे, लेकिन बाकी बचे जो भूमि हुआ करते थे वे लोग या तो शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते थे, जो भी जंगल में वन उत्पाद होते थे यानी कि वन का उत्पाद होते थे उनका व्यापार करके जीवन व्यापन करते थे, या तो फिर कृषि करके जीवन व्यापन करते थे, यही था इनका कहना। उस समय कोई इंडस्ट्रियल एरिया था उस समय भी, लेकिन पता थोड़ी था, उतना टेक्नोलॉजी थोड़ी था, बाद में ना पता चला। तो बोले गए सर कोई एकदम कोयला नहीं निकालते थे क्या, कोयला अभी नहीं, कोयला अभी समय लगेगा, ठीक है आगे। चुवाड़ विद्रोह के कारण अब समझते हैं भैया कि चुवाड़ विद्रोह के कारण क्या थे। मैंने आपको पहले तो कारण कई सारे बताए कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, चुवाड़ विद्रोह भी तो जनजातीय विद्रोह, तो वहां पे जो कारण देखे थे वो कारण तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ अगर कारण है तो उसको भी देख लेते हैं। पहला था भैया अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा एवं जमींदारों को उस जमीन की बिक्री, ये बात हम लोग पहले भी जान चुके हैं। दूसरा है कि लगान में अप्रत्याशित रूप में वृद्धि, तुरंत एकदम बोल रहा है कि 50% से तुरंत 70% कर दिए, है ना, इस तरह करके बाबूजी का जैसे यह है ना कि जितना एकदम सबको बढ़ा दो। तीसरा है आपका लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी, है अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन को हम किसी और को दे देंगे, ये तीसरा कारण। चौथा है कि बाहरी यानी दीकू को पाइक के रूप में नियुक्ति, ये लोग पता है कि चुवाड़ लोग पाइक के रूप में थे तैनात, कहां पर, झारखंड के इलाकों में, है ना, जमींदारों के अधीन रह करके ये क्या करते थे, पाइक के रूप में काम करते थे, सिपाही के रूप में काम करते थे। इन लोगों को बोला गया देखो तुम लोग सिपाही विपाही रहने की जरूरत नहीं है, सिपाही हम लोग बाहर से मंगवाएंगे। इस प्रकार से गैर आदिवासियों को, है ना, बाहरी लोगों को सिपाही के रूप में तैनात कर दिया गया, क्योंकि राजा खत्म हो चुका था, राजा ईस्ट इंडिया कंपनी है और जमींदार बचा हुआ है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहा है, तो अब जो सिपाही होगा उन्हें अब चुवाड़ को सिपाही के रूप में काम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अब सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण,
कि चुवाड़ विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण में से यही बोला जाता है कि सिपाही के रूप में नियुक्ति को हटा करके बाहरी लोगों को सिपाही बना दिया जाता है ना। और आगे है कि दिकुओं को इलाके में बसाना, कि जो बाहरी लोग हुआ करते थे, दिकु मतलब बाहरी लोग, झारखंड से बाहर के जो लोग थे उनको इलाके में क्या किया जाने लगा, उनके एरिया में बसाया जाने लगा। कॉल उठा लीजिए। खैर, अगर हम लोग विद्रोह का क्षेत्र के बारे में बात करें बाबू, तो हमने बताया कि जंगल भूम के, जंगल महल का ये एरिया था, और जंगल महल के एरिया में आपको पता है कि सिंहभूम, मानभूम, बाढ़भूम और पंचायत राज, इन सभी को मिला करके ही आपका जंगल महल का क्षेत्र बनता था। अच्छा, इस ढालभूम का समर्थन किन किन लोगों ने किया था? तो घटवालों ने किया था, पाइकों ने किया, और पाइक जमींदारों ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। 30 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, और आखिरकार 30 साल के बाद एक संधि होता है ना, वो संधि भी बता देंगे कि वापस से उन्हें पाइक बना दिया जाता है, डिटेल में समझा देंगे। खैर आगे समझो। देखो, इस विद्रोह में कोई एक ढालभूम के राजा की तरह कहानी नहीं है, क्योंकि ये मिला जुला विद्रोह था, है ना। एक यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति नहीं है, कई सारे प्रमुख लोग हैं, उन सब की कहानी बता पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में बहुत विस्तार में एक एक लोग की कहानी ना बता करके, तब तो फिर पता चलेगा 4 दिन ये क्लास चलता रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको पता है कि मैंने ओनली चुवाड़ विद्रोह के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, 30 मिनट से ज्यादा की थी, तो इस तरह से ढालभूम के ऊपर वीडियो बनाते थे 30 मिनट, तो 60 मिनट तो दोगे कहानी बताने में पता चला जाता। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, तो पर्टिकुलर कहानी यहाँ पर नहीं बनेगी, संपूर्ण समुदाय के, पूरा चुवाड़ों के बारे में यहाँ पर कहानी बनेगी। तो वही है कि चुवाड़ विद्रोह में जो प्रमुख विद्रोही नेता हुआ करते थे वो कौन कौन थे? रघुनाथ महतो थे, श्याम गुंजन थे, सुबल सिंह थे, जगन्नाथ पातर थे, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। और इसमें से एक प्रमुख सवाल आप लोगों के पेपर में मिला है कि मानभूम एवं बाढ़भूम का प्रमुख नेता कौन था? तो एक नेता थे दुर्जन सिंह, जो मानभूम और बाढ़भूम ये दोनों महत्वपूर्ण इलाके के, मानभूम और बाढ़भूम दोनों महत्वपूर्ण इलाके के जो प्रमुख नेता हुआ करते थे वो थे दुर्जन सिंह। पेपर में आया हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। खैर, अभी तक जितने भी सवाल बताए मैक्सिमम पेपर में आए हैं, आगे बढ़ेंगे। इस विद्रोह का प्रमुख जो नारा था बबुआ वो था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, है ना, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। इस विद्रोह के दमनकर्ता के बारे में बात करें, किन्होंने इस विद्रोह को खत्म करने का प्रयास किया, तो वो थे लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फॉरविस और लेफ्टिनेंट गुड़ियार। ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस विद्रोह का क्या किया, दमन किया, और दमन कर ही नहीं पाए, बेसिकली दमन नहीं कर पाए। दमन का मतलब होता है कि आप उन लोगों को स्वाधीन कर लो, या वो आप लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर दे। चुवाड़ विद्रोह में तो जीत हासिल हुई थी, तो इसको दमनकर्ता कैसे कहेंगे, है ना। खैर, कह सकते कि शांत करने वाले जो लोग थे, दमनकर्ता नहीं बोलेंगे, शांत करने वाले लोग थे। किताब में गलत वर्ड ही लिखा हुआ है, लेकिन शांत करने वाले लोग कहेंगे। खैर, 6 मार्च 1800 ईस्वी में एक संधि होता है, और 30 वर्षों के संघर्ष के पश्चात युद्ध में विराम लगता है। इस संधि में क्या क्या बातें हुई कि पुनः जमींदारी घट वाली पुलिस व्यवस्था हम लोग शुरू कर देंगे, यानी कि जो चुवाड़ लोग पुलिस के रूप में काम कर रहे थे वो वापस से चुवाड़ लोग ही की ओनली भर्ती होगी, बाहरी लोगों को अब नियुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि जब तो भूमि को वापस कर देंगे, जो भी आपसे जबरन भूमि का छीना गया है वो रिटर्न कर देंगे। अवैध नीलामी पर रोक, आपसे जो जबरदस्ती टैक्स नहीं पे करने पर आपकी जमीन को नीलामी कर दिया जाता था, अब वैसा नहीं होगा। और इस प्रकार से 13 दिसंबर 1805 ईस्वी तक ये सभी प्रस्तावों को, इन सभी बातों को अंग्रेज अधिकारी मानने के पश्चात एक विधेयक बन गया, और विधेयक को भेज दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास विधि बनने के लिए, कानून बनने के लिए। और 13 दिसंबर 1805 ईस्वी में कंपनी सरकार से स्वीकृति, चूंकि ये देखिए 1800 सदी में होता है, 30 वर्षों तक क्यों चला था समझिए, 30 वर्षों तक क्यों चला था, चूंकि 1800 सदी में इन लोगों को आश्वासन दे दिया गया कि आप लोगों की बातों को माना जाएगा, तो 1800 से लेकर के 1805 तक कोई लड़ाई ही नहीं हुआ, एकदम शांत स्थिति। जब तक जवाब नहीं आ जाता, तो 5 साल लग गया इस कानून को बनने में, 13 दिसंबर 1805 ईस्वी में फाइनली मोहर लग गया, और 5 साल कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो इधर से भले ही हम लोग इसको टाइम पीरियड को आगे बढ़ा के मानते हैं जब तक ये सक्सेस हमें नहीं मिल जाता, लेकिन 1800 सदी में ही ये क्या हुआ था, 69 से लेकर के 1800 सदी तक ये शांत हो चुका था। तो इस प्रकार से 30 वर्ष हुआ, है ना। तो भाई एक कंपनी के फाइनल मोहर लग जाती है, वे स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, और 1805 ईस्वी में जंगल महल क्या होता है, एक नया जिला का बन जाता है, और नया जिला बनने के बाद ये चुवाड़ विद्रोह में क्या होता है, हमें सफलता मिलती है। और इसके बाद लगभग 25 वर्षों तक इस जंगल महल के एरिया में कोई भी विद्रोह हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज की कहानी में हम लोगों ने 2 विद्रोह के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब जितना भी मैंने बताया है बबुआ,
सर इतना टेंशन में पढ़ाई कैसे होगा, एक तरफ से लोग आंदोलन कर रहे हैं। सॉरी सर मैं लेट हूँ, धज्जिया उड़ा देता हूँ मैं, लेट मत आना, बता रहा हूँ है ना, फ़ोन की स्क्रीन से बाहर निकल करके मारूंगा, दो चमाट लगाऊंगा, लेट मत आइयो बबुआ, ठीक है। क्लास में सोचो जब तुम्हें प्रेम होता है, सुंदर कन्या आपको बुलाती है कि चलो 5 बजे शाम को मिलना है, तब क्या करते हैं कि 3:30 बजे पहुँच जाते हैं ना, बैग में जो लड़का जो है कभी पाउडर क्रीम कुछ लगाता नहीं, वो उस दिन लेकर के सब फेस वॉश से लेकर के सब कुछ लेकर के जाएगा, ऐसे घर में रहेगा तो साबुन में है ना, साबुन तुरंत लगाने के बाद फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब भी किसी सुंदर कन्या से मिलने को जाने का रहता है 2 घंटा पहले कैसे पहुँच जाते हैं, तो वही है कि नौकरी तुम्हें इनडायरेक्ट रूप में या सुंदर कन्या के पास ही आ रहे हो आप, है ना, कि बेसिकली यहाँ पे जब पढ़ाई करोगे तो तैयार हो जाओगे नौकरी के लिए, नौकरी हो जाओगे तो फिर वही है कि विवाह का कार्यक्रम शुरू होगा, है ना। आगे, सर मैं बाद में जुड़ा हूँ, जगन्नाथ से पहले कौन वहाँ के राजा थे, जगन्नाथ के पहले बोला तो राजा ढाल थे, ढाल ही नाम था उनका, ढाल राजा ही हमें दिखाई देता है हर जगह। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए तो जेन्युइन कैंडिडेट एग्जाम चाहते हैं। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बबुआ। देखो जी, अब मैंने जितनी भी कहानी आप लोगों को पिक्चर्स के माध्यम से बताया या लिख करके बताया, चूंकि ऐसे लिखने में क्या होता है ना कि लिंक करने में, एक्सप्लेन करने में ज्यादा आसानी होता है, क्या समझे, तो इस तरह मैंने लिख करके रखा हुआ है। आप लोगों को पढ़ने की आदत है, ये वाला ये दिखने में अच्छा होता है लेकिन कॉन्टेंट ठीक है, ये बनाने में क्या है, बनवा देंगे, लेकिन मुझे जो है पढ़ाने में ऐसे मजा आता है, मेरा पढ़ाने का एक यूनिक तरीका ही है, ठीक है, कि पहले कहानी को आपके दिमाग में फिट कर देना और उसके बाद फिर उसका थ्योरी पढ़ा देना। अब ये जो पूरा थ्योरी आप देख पा रहे हैं, जितना मैंने पूरे वीडियो में आप लोगों को कहानी समझाई उसी का थ्योरी है। देखो कि राजनीतिक कारण क्या था अंग्रेजों के यहां पर आने में, फिर पूरी कहानी है, जो जो बातें मैंने बताया सारा लिखित रूप में है। आगे इसके अलावा जितनी बातें मैंने नहीं बताई है, थोड़ी बातें जो छोटी भी है वो भी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही है। आगे बढ़िए, ये पूरा काम आप लोगों का है, नोट्स आप पढ़ के समझ जाएंगे, जितनी कहानी मैंने वीडियो देख ली है नोट्स देख के समझ जाएंगे। आर्थिक कारण क्या क्या था उसके बारे में बता दिया गया, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस लगान में वृद्धि इत्यादि के बारे में सब कुछ चर्चा है, ठीक है, जितनी बातें मैंने आज के क्लास में बताई है सब कुछ। मैं एक काम करता हूँ, रिमोट ले लेता हूँ, हाँ अब समझाता हूँ। सामाजिक कारण ये भी मैंने बता दिया सामाजिक कारण के बारे में, सामाजिक कारण के बाद धार्मिक कारण भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया अंग्रेजों ने। फिर ढाल विद्रोह के बारे में टोटल डिटेल मैंने दे दिया, चुवाड़ विद्रोह के बारे में टोटल मैंने डिटेल दे दिया। अब अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले साथियों वो चेरो विद्रोह होगा, है ना, तो चेरो विद्रोह के अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दिमाग में फिट हो जाए, एक क्लास में हम 6-7 को विद्रोह अभी देख पा रहे जहाँ पे चेरो विद्रोह है, पूरा कॉन्टेंट तैयार है। चेरो विद्रोह के बाद आप देख पा रहे कि इसके बाद आपका भोक्ता विद्रोह हो जाएगा, है ना, गटवाल विद्रोह हो जाएगा, तो ये सब भी बताएंगे लेकिन पूरा कहानी के जरिए बताएंगे ताकि आपके दिमाग में फिट हो, है ना, ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एप्लीकेशन में ये क्लास इस क्लास की जो PDF है वो PDF को ऐड कर दिया गया है, नोट्स बनाओ। जितने भी नए बालक हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, वो लोग क्या करोगे, जितने भी एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड वीडियो है 8-10 क्लासेस पीछे के जो भी हैं, उन सभी को सिक्वेंस में आप लोग नोट कर लेंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 इत्यादि करके लिखा हुआ है, तो आप उन सभी को नोट कर लेना, है ना, और सिक्वेंस पे एक नोट्स कॉपी बनाओ। कोई भी दिक्कत आता है तो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग कॉल कीजिए या तो फिर मैसेज कीजिए, मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि दिन भर में बहुत ज़्यादा फ़ोन बजता है, कई कॉल्स तो मैं रिसीव नहीं कर पाता, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मिलेंगे। सर UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, कोई टिप्स दीजिए, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो सीधा दिल्ली चल जाओ और ऑफलाइन करो, ऑनलाइन मत करिए, ठीक है, UPSC निकालना चाहते हैं तो दिल्ली जाओ, सीधा ऑफलाइन सेंटर में जाइए, तभी आपका कुछ हो सकता है। चलिए सर ये आपका तरीका माइंड में सेट हो जाता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होंगी, जो भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं, जो भी हमारे बैचेस को परचेस करना चाहते हैं, चाहे वो GSSC सीरियल हो या उत्पाद सिपाही हो, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, SBI झारखंडी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ अकाउंट बनाओ, आप बैच ले सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। 6-7 दिनों के बाद हम लोग यूट्यूब में ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी क्लास को लेकर के मिलेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के मिलेंगे, थ्योरी क्लास ओनली ऑनली ऐप पर होगा, ठीक है, तो चलिए आज हम लोग विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद और जोहार।